नमस्कार साथियों, जय हिंद। सबसे पहले आपको बताते चले कि TRE-1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जो याचिका दायर हुई थी माननीय उच्च न्यायालय में, सभी मामलों की सुनवाई धीरे धीरे करके हो रही है। आपको बताते चले कि इसके पहले कंप्यूटर साइंस के मामलों में जो सुनवाई हुई है उस पर 4 सप्ताह का हलफनामा जो है माननीय उच्च न्यायालय ने BPSC और सरकार को दिया था, और उसको 4 सप्ताह के अंदर जो है जवाब तलब के अनुसार उनको जवाब देना है। दूसरे कल मामलों की जो सुनवाई हुई है वो धीरेंद्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार CWJC-1151 केस नंबर /2024, इस मामलों की सुनवाई इसके पहले भी 8 फरवरी को हुई थी और लगभग 8 सप्ताह का समय दिया गया था। तो जो चीज़ें हैं YB गिरी के बेंच, YB गिरी लॉयर हैं, और निश्चित रूप से जो चीज़ें सामने स्पष्ट रूप से आ रही है कि 2 सप्ताह के अंदर उनको फिर से जवाब देना है। तो पूरक परिणाम को लेकर आप सबको पता है कि दर्जनों याचिका दायर हुई है। एक और याचिका दायर हुई है सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1-5 में को लेकर, वह है सत्यम कुमार वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ बिहार CWJC-2337, उस मामलों की भी जल्द से जल्द सुनवाई होने वाली है। और इसके पहले भी आपको उर्दू के मामलों की भी सुनवाई हुई है, सरकार को जल्द जवाब तलब कर किया गया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। और सब चीज़ों पर आपको बताते चले कि आने वाले समय में 1-1 सारे मामलों की सुनवाई होने वाली है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो BPSC और शिक्षा विभाग ने जो घोटाला किया, आप कह सकते हैं कि सीटों को बचाने का जो षड्यंत्र किया, उस सब मामलों पर आपको बताते हैं कि 1-1 आने वाले समय में सारे केस हो सके मर्ज हो जाए। लेकिन जैसे ही सुनवाई होती है आपको हम बताते चले कि आज के विभिन्न समाचार पत्रों ने इसको सुर्खियों में, इसको प्रमुखता से खबरें दी है कि सरकार से जवाब तलब किया गया है। जो चीज़ें हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में पहले भी जो भेजी गई थी सूची शिक्षा विभाग से, 4773 लोगों का की रिजल्ट देना है सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट को लेकर, और उसमें से भी मात्र 2300 लोगों का रिजल्ट आया। तो आप समझ लीजिए कि क्या 2000 सीटों की कटौती की गई, उसके मामले में BPSC की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से क्या जवाब माननीय उच्च न्यायालय में आता है। लेकिन इतना जरूर है कि TRE-1 में लगभग 25,000 से 30,000 पद खाली रह गए थे, और उसको बचा कर जो चीज़ें थी BPSC चेयरमैन स्पष्ट तौर पर बोलते थे कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट, मल्टीपल रिजल्ट और जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, सब सीटों पर हम रिजल्ट देंगे। और शिक्षा विभाग ने मात्र 4700 पदों की सूची भेजी थी, उसमें 2773 लोगों का ही रिजल्ट आया था। तो अब मामले पर सुनवाई करते हुए जो चीज़ें सामने हैं, उस सामने पर आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अब घेरने का प्रयास चल रहा है माननीय उच्च न्यायालय के जो फैसले हैं उस पर, सभी की निगाहें शिक्षक अभ्यर्थियों के TRE-1 में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो पूरक परिणाम की मांग कर रहे थे और लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था, चाहे वो गर्दनी बाग धरना स्थल से, हम लोग 4 दिन गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे, BPSC का घेराव किए, शिक्षा विभाग गए, गांधी मैदान के पास प्रोटेस्ट हुआ और कई चीज़ें हुई, जिसके बावजूद भी तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो महागठबंधन के नेता हों, चाहे वो NDA के नेता हों, उनके पास जाकर लोगों की शिकायतें भी रहती थी कि पूरक परिणाम को लेकर TRE-2 में भी कई लोगों का बयान आया था, चाहे वो DPCM बिहार के पहले विरोधी दल के नेता, विधानसभा और विधान परिषद में दोनों नेता, आज DPCM है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, और दोनों ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पूरक परिणाम आएगा। सीटी टेपेयरिंग की मांग को लेकर भी काफ़ी मुखर होकर बोलते थे, खासकर सुशील मोदी जी जो पूर्व राज्यसभा सांसद, और आज वो भी बोलते थे कि 40,000 के पूरक परिणाम आएंगे। तो कई चीज़ों पर जो बातें थी घुमा फिरा कर कहा जाए तो उसको एक सिरे से खारिज कर देना और चीज़ों को बरगला कर कहना कि क्या आगे होगा, क्या योजनाएं होंगी। लेकिन इतना जरूर है कि TRE-2 में भी कल एक बैठक होने वाली है, उसको लेकर भी दर्जनों याचिका दायर हो चुकी है। अब भाषा की अर्हता को लेकर भी केस हुआ है, भाषा की अर्हता को लेकर जहाँ तक पता है आपको कि पहले TRE-1 में भाषा का जानकार होना जरूरी था, उसके लिए एक मिनिमम कट ऑफ को पार करना जो है आवश्यक BPSC ने बनाया था। लेकिन TRE-2 में इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि हिंदी के जगह पर उर्दू के जगह पर अंग्रेजी के प्रश्न पत्र दिए गए, और जो जानकार थे यानी जो चीज़ें सामने आ रही है कि सिर्फ GS के प्रश्न पत्र मुहैया कराकर हटवाए गए, तो फिर हिंदी के भाषा और भाषा अर्हता को लेकर समाप्त कर दिया गया, क्योंकि भाषा अर्हता में हो सके लोग फेल कर जाए। तो सारी चीज़ें बिल्कुल अब तह परत दर परत खुल रही है, आर्थिक अपराध इकाई की भी जांच कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में जिस प्रकार की जांच चल रही है, जो जिस प्रकार से भंडाफोड़ तीसरे फेज की बहाली में हो चुका है, सब मामलों पर सुनवाई करते हुए सारे मामलों की सुनवाई जो है हो रही है, लेकिन TRE-1 और TRE-2 तक जितने भी मामले के संज्ञान में माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे,
आने वाले समय में सब मामलों पर निष्पादन जो है माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से होगा। और कई लोगों के मन में सवाल है कि हम पिटिशनर बनेंगे तो मेरा ही रिजल्ट आएगा या हम नहीं बनेंगे तो सब लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको बता दें कि ये माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार होगा कि अगर उनका कहना है कि अगर सिर्फ पिटिशनर को उसका लाभ दिया जाए तो पिटिशनर को लाभ मिलेगा। अब धीरेंद्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार में लगभग 101 पिटिशनर हैं, उसके बाद सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार CWJC 2337 में लगभग 85 लोग पिटिशनर है, 125 की बात करें। एक और केस है रेगुलर वाला, उसमें भी लगभग 40-45 लोग पिटिशनर बने हैं। फिर NIOS का जो केस है उसमें भी लगभग 50-60 लोग पिटिशनर बने हैं। तो कई मामले पे सुनवाई हो रही है और धीरे धीरे जो है वो केस हो सके मर्ज कर जाए, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का भरोसा है, उनके फैसले का सम्मान करना है, चाहे निर्णय किसी के पक्ष में जाए, लेकिन इतना जरूर है कि छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ जो सरकार ने गलत किया है, जो पूरक परिणाम के नाम पर जो धोखा और षड्यंत्र किया, सीटों को बचाकर TRE1 से लेकर TRE2 तक और TRE2 से लेकर TRE3 तक जोड़ने का प्रयास किया, सब मामलों पर सुनवाई होने जा रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका एक उचित लाभ सारे परीक्षार्थियों को मिलेगा जिसने इस तरह की चीज़ें की है, और आने वाले समय में उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। साथियों प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी बात आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद।